हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं संजना। आज की वीडियो में कोई रेमेडी नहीं, कोई डीआईवाई हैक नहीं, कोई भी मेकअप ट्यूटोरियल नहीं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें घर में हेयर ऑयलिंग कैसे करना है। हेयर ऑयलिंग हम सब करते हैं, हेड मसाज भी हम सब करते हैं, बट ना एक तरीका होता है हर काम को करने का। तो अक्सर कुछ लोग हैं जो गलत तरीके से हेयर ऑयलिंग कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हेयर ऑयलिंग कैसे करते हैं। मैं रेगुलर बेसिस पर ऐसे ही हेयर ऑयलिंग करती हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि मेरा हेयर ऑयलिंग करने का मेथड क्या है। तो सबसे पहले हमें इस तरह का एक बाउल ले लेना है और इसमें ऐड कर लेना है जो भी ऑयल हम हेड मसाज के लिए यूज़ करते हैं। वो तो मैं यूज़ करूँगी कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल का ये एलोवेरा वाला ऑयल मेरा फेवरेट है, मैं हमेशा यही अप्लाई करती हूँ अपने बालों पर। सबसे पहले हमें इस ऑयल को इस बाउल में ले लेना है। क्वांटिटी हमारे हेयर लेंथ के हिसाब से ही ले लेना है, बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं लेना है कि वेस्ट हो जाए। तो जितने की हमें ज़रूरत है उतना ही लेना है। और हमें इस ऑयल को अपने स्कैल्प पे लगा लेना है। तो स्कैल्प पे हम डायरेक्टली नहीं लगाएंगे, बाउल में लिए हुए इस ऑयल को अपने बालों पर अप्लाई करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इस तरह की कॉटन बॉल की। तो इस कॉटन बॉल को ऑयल में डालकर छोड़ देना है, 2 मिनट तक छोड़ देना है, ताकि कॉटन बॉल जो है ऑयल को अपने अंदर ऑब्जर्व कर ले। तो जब तक ये ऑब्जर्व कर रहा है तब तक हम अपने बालों को डिटैंगल कर लेंगे। सबसे पहले हमें अपने बालों को 2 पार्टीशन में डिवाइड कर लेना है। 2 पार्टीशन में कर लेने के बाद हमें टैंगल्स को नीचे की तरफ से सॉल्व करना शुरू कर देना है। नीचे की तरफ से अगर टैंगल्स को सुलझाया जाए तो बाल ज़्यादा टूटते नहीं हैं। दोनों साइड को अच्छी तरह से कोम कर लेना है। कोम कर लेने के बाद कॉटन बॉल की हेल्प से हमें अपने स्कैल्प्स पे ऑयलिंग करना स्टार्ट कर देना है। पहले एक साइड को फिनिश कर देना है। तो हमें एक साइड में छोटे छोटे सेक्शंस लेना है और पूरे स्कैल्प्स पे कॉटन बॉल की हेल्प से हमें ऑयलिंग कर लेनी है। जैसे ही वन साइड का कंप्लीट हो जाता है हमें दूसरे साइड में भी सेम तरीके से ऑयलिंग कर लेना है। वहाँ पर भी छोटे छोटे सेक्शंस ले लेने हैं और सारे सेक्शंस को धीरे धीरे ऑयल कर लेना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत ही आराम से कर लेना है। फ्रंट साइड का ऑयलिंग हो चुका है, अब थोड़ा सा हेड मसाज दे देंगे। हेड मसाज दे देने के बाद हमें ये नहीं भूलना है कि बैक साइड वाला पोर्शन अभी बाकी है। तो बैक साइड वाले पोर्शन में भी सेम तरीके से हमें छोटे छोटे सेक्शंस ले लेने हैं। सारे सेक्शंस को अच्छे तरह से ऑयलिंग कर लेना है, एक भी सेक्शन छूट ना जाए, बहुत ही ध्यान से कर लेना है। जो बचा हुआ कॉटन बॉल में ऑयल रहेगा उसे अपने हाथों पर ले लें और अपने बालों पर अच्छा सा अपने हेड पर मसाज दे दें। हेड मसाज करने से आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ अगर चल रही है तो स्ट्रेसफुल लाइफ में भी अच्छी तरह से माइंडसेट करने के लिए ऑयलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब बालों में ऑयलिंग हो जाए अच्छे तरीके से तो उसके बाद हमें अपने बालों को फिर से कंघी कर लेनी है। और कंघी कर लेने के बाद अपने पूरे बालों को इकट्ठा करके एक साइड में लाकर या तो आप एक पोनीटेल करके सो सकते हैं या तो फिर इस तरह से चोटी कर लें। चोटी करना ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे करने से आपके बाल दोबारा आपस में नहीं उलझेंगे और आपको बहुत अच्छी नींद आ जाएगी। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।